श्री गणेशाय नमः। बोलो सरस्वती माता की जय। श्रोताओं, मैंने भाग सात में बताया था कि जो राजा नल थे उन्हें उनके मामाओं ने समुद्र में फेंक दिया था। उन राजू के बासु के पास पहुँचे जिसे तत्रक्षक ने राजा नल को ढस लिया था। उसके बाद में जो राजा नल थे वो ऊपर आ जाते हैं वृद्ध का रूप धर के। उधर सेठ जो तो वो पहुँचते हैं, जो गजमोतनी थी उसका श्रृंगार गिरता है और उसे पता लग जाता है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो जादू करनी थी, महादेवी की भक्त थी। और रानी मंझा भी रोने लगती हैं। जब सेठों को पता लगता है कि अगर सेठ को पता लग गया कि मैं गजमोतनी और इसकी पहनने वाली गोट को लाया हूँ तो वो मुझे मरवा देंगे, इससे पहले मैं राजा के पास पहुँच कर गजमोतनी और एक गोट और मोचनी को इनको वहाँ सौ पे आऊँ। तो सेठों ने एक षड्यंत्र रचा, एक चाल चली और कहा, रानी मंझा, नरबरगढ़ में बहुत भारी मेले का आयोजन हो रहा है, मैं वहाँ आप चलो बहन। तो मंझा घबरा गई, बोले मुझे तो राजा मरवा देंगे वहाँ। ऐसा करो, तुम गजमोतनी को लिए जाओ, क्योंकि जो फूलचंद्र और पन्नालाल थे वो गजमोतनी को बहला के चुपके से ले जाते हैं। और उधर महाराज नरबरगढ़ में प्रथम राजा वीरसेन का दरबार लगा था, वहाँ पेश होते हैं। राजा से कहते हैं, राजा को अपना फरमान भेजाते हैं और कहते हैं, महाराज आपको जो 15 गोट चाहिए थी मैं और मोचनी पहनने वाली, मैं गोट भी लेके आया हूँ और मोचनी पहनने वाली भी लेके आया हूँ। फिर महाराज ने कहा, जरा दिखाओ तो कौन है जिसकी इतनी सुंदर मोचनी थी, मगर वो मोचनी पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। जो गजमोतनी थी, जब उसका चेहरा देखा राजा ने, वीरसेन प्रथम सेन ने, तो राजा बिल्कुल एक संग चक्कर में पड़ गए कि इतनी सुंदर कभी उन्होंने देखी नहीं थी। ये लड़की जो गजमोतनी इतनी सुंदर थी वो स्वर्ग से बिल्कुल अप्सरा जैसी थी। जो राजा थे वीरसेन थे, उनकी नीयत खराब हो गई, बोले गजमोतनी से मैं आपके साथ ब्याह रचाऊंगी। गजमोतनी बोली, नहीं मेरा तो ब्याह हो गया है, मैं ब्याह नहीं रचा सकूं। नहीं, राजा नहीं माने। फिर गजमोतनी ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझसे ब्याह करना चाहते तो मेरी एक शर्त है, उसे स्वीकार करना होगा उसके बाद में, क्योंकि राजा को तो गजमोतनी की हर शर्त मंजूर थी, सिर्फ कहने की देर थी। गजमोतनी ने कहा, हे महाराज, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती है तब तक मैं आपकी धर्म की पुत्री, आप मेरे धर्म के पिता रहेंगे। राजा ने कहा, बताओ बेटी तुम्हारी क्या शर्त है। गजमोतनी ने कहा कि जो मुझे राजा नल की कथा सुनाएगा मैं उसी के बाद में आपसे शादी करूंगा, क्योंकि गजमोतनी को पता था कि ये कथा केवल पृथ्वी रोग पर या तो राजा नल या तो मैं स्वयं या तो पृथ्वी ऊपर स्वर्ग लोक में नारद मुनि जानते हैं, वरना कोई तीसरा कोई नहीं जानता है। ठीक है, राजा ने शर्त मान ली। शर्त उसके बाद में जितने विद्वान थे, दूर दूर के पंडित विद्वानों को निमंत्रण दे दिया, जो राजा नल की कथा सुनाएगा उसे मैं 100 असरपिया और अपना राज्यपाट दे दूंगा। प्रतिदिन राजा के यहाँ विद्वान दूर दूर के पंडित लोग आने लगे, मगर कोई भी कथा सुनाता था राजा नल की तो कोई सुना नहीं पाता था। गजमोतनी से पूछा जाता था, ये कथा सही है? गजमोतनी कहती थी, नहीं महाराज, ये कथा सही नहीं है। ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि बहुत काफ़ी समय बीत गया मगर राजा नल की कथा किसी ने नहीं सुना पाई। श्रोताओं, क्योंकि आगे टाइम भी नज़दीक आने वाला था, मगर कि राजा नल की कथा कौन सुनाता, क्योंकि राजा नल तो अभी आए नहीं थे। ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता गया। फिर जो तत्रक्षक बासु नागलोक के राजा थे, उन्होंने राजा नल को ऊपर जब छुड़वाया, उनके लिए एक अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी, जो वो अंगूठी अगर दाएं हाथ में पहनते तो वो 100 वर्ष के वृद्ध बन जाते थे। जब उन्हें पता लगी, क्योंकि वो भी राजा नल मतलब चार कलाओं से अवतार थे, उन्हें पता था कि मेरी गजमोत्री पत्नी किस हाल में होगी, वो मुझे तरस रही होगी, रो रही होगी, देखने के लिए बेताब होगी। फिर राजा नल चल दिए और उधर से गांव वाले मिल गए, बोले महाराज अगर आपको राजा नल की कहानी याद हो
तो मेरे राजा वीरसेन को सुना दीजिए और मुंह मांगी कीमत आधा राज्यपाट ले लीजिए। उसके बाद में जो राजा नल थे 80 जो 100 बरस के थे वृद्ध, वो पहुंच जाते हैं महाराज वीरसेन के दरबार में और कहते हैं, अगर महाराज कथा तो मैं राजा नल की सुना दूंगा, अगर बीच में कोई बोल गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, कोई बोलना नहीं चाहिए। राजा मान गए, हाँ बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, कि अपने दरबार में सबको बुला लीजिए और मेरा एक ऊंचा सा खूब ऊंचा सा सिंहासन लगा दीजिए, मैं उस पर कथा कहूँगा और बीच में अगर इस कथा में अगर किसी की कोई भी गलती हुई हो तो उसे आप माफ़ कर देंगे, कोई बीच में प्रावधान कोई सजा नहीं देंगे। राजा बोले हाँ हाँ चलो ठीक है। राजा पहुँच गए और जो राजा नल थे वृद्ध का रूप, वो बोले सिंहासन पे, कहे महाराज कथा तो मैं सुना दूंगा मगर मेरी बीच में शर्त है, कोई बीच में मेरे बोलेगा नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, नहीं तो कोई टोकेगा। राजा बोले हाँ बिल्कुल सही है। तभी जो राजा नल थे वृद्ध थे, उन्होंने कहा महाराज आपकी 100 रानियां हैं, रानियों को बुलाया जाए। रानियां आ गई, 100 सारी नगर की प्रजा को बुलाया जाए, उनके बैठने का इंतजाम किया जाए, दूर दूर डंका लगवा दिया जाए कि राजा नल की कथा होगी, जो सुनना चाहे सभी लोगों को आमंत्रित कर दिया जाए। सभी लोग आमंत्रित हो गए और राजा नल से कहा कि महाराज अब आप, राजा ने कहा कि कथा प्रारंभ करें। महाराज बोले ठीक है मैं कथा प्रारंभ करूँगा, मुझे जितनी मालूम है मैं उतनी सुनाऊँगा आगे की कथा। तो महाराज ने कहा जितनी आपको पता हो उतनी सुनाइए। उसके बाद में राजा नल ने वृद्ध जो वृद्ध का रूप धारण करे थे, उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ की। कहा महाराज वीरसेन आपकी 100 रानियां हैं, एक रानी थी जो मंजा, आपके काफी समय बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं हुई। राजा सोचने लगे कि किसकी कथा है, मगर बोल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कोई बीच में बोलेगा नहीं। ठीक है, जब कहा राजा नल ने कि जब आपके महाराज वीरसेन और आपकी 100 रानियां किसी के भी एक भी संतान नहीं थी, तो गुरु गोरखनाथ आपके बगीचे में आए, आपने उनके 12 वर्ष तक तपस्या करी, रानी मंजा ने और आपने, फिर उन्होंने वरदान दिया था कि आपके एक पुत्र होगा। उसके बाद में जब उन्होंने 101 रानियों को चावल दिए और आपकी जो पटरानी थी रानी मंझा, उन्होंने चावल खा लिए, मगर आपकी 100 रानियों ने चावल नहीं खाए और फेंक दिए। कहीं बताओ अगर चावल से बच्चा पैदा होने लगे फिर कोई संसार में शादी ही ना करे। श्रोताओं ध्यान से सुनी, उनकी 100 रानियों ने कह दिया अगर चावल से, रानियों ने भगवान श्री गोरखनाथ के प्रसाद का अपमान किया, जो 100 रानियों ने था उन्होंने चावल को फेंक दिया। आपको बताते चलें कि चावल से अगर संतान पैदा होने लगे तो लोग शादी ही ना करें आपको, क्योंकि रामायण में हनुमान जी ने जब समुद्र में अपने मल से मकर ध्वज को पैदा कर दिया, और उधर भगवान शंकर की पत्नी गौरा उन्होंने अपने मल से गणेश जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया पहरेदार बनाकर, आप बताएं कि जब वो रानी मंजा गर्भपति हो गई और आपकी 100 रानियों को खलने लगी कि अगर मैं गर्भपति नहीं हूँ, एक गर्भपति हो गई, अगर इसके संतान होगी फिर राजा मुझे छोड़ देंगे, मुझे फांसी पे लटका देंगे अगर मुझे पता लग गया कि मैंने ये किया, उससे पहले उन्होंने 100 रानियों ने विचार करा। तो राजा नल जो थे वृद्ध ब्राह्मण वो कह रहे हैं सुनो राजा बीच में बोलना मत, अब रानियां चक्कर में है कि ये तो मेरी ही बात कर रहा है, एक कैसा ब्राह्मण है आपस में विचार 100 रानियां कर रही हैं उधर। फिर उसके बाद में राजा नल इन लोगों 100 रानियों ने प्लान बनाया कि मुझे एक ऐसी चार रचनी चाहिए, एक ऐसा संयंत्र रचना चाहिए जिससे महारानी मंजा को मरवा देना चाहिए। और उन रानियों ने पंडित गंगाधर को बुलवाया और उसे लालच दिया कि आपको मैं 100 कुंटल से ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा दूंगा, आप मेरा इतना काम कर दीजिए। मगर गंगाधर पंडित भी वहाँ मौजूद था, वो सोच रहा है कि मेरी करनी तो पकड़ी गई, मुझे तो लग रहा है फांसी हो जाएगी। उसके बाद में उसने ऐसी चाल चली महाराज से कह दिया
कि जो गंगाधर ने कहा पत्रा देखी कि आपके जो संतान अगर पैदा हो गए तो आपका राज्य पाट तहिस महिस हो जाएगा, पीला आसान विवश हो जाएगा। राजा ने सोचने पर मजबूर कह दिया और आर्डर दे दिया रानी मंजा को तत्काल इन्हें मरवा दिया जाए, जल्लादों का आर्डर दे दिया जाए। राजा नल कह रहे हैं, श्रोताओं वीडियो लंबी हो रही है, आगे के भाग में आपको 9 में बताऊंगा कि अगर आपकी आगे क्या होगा, कैसे पूरी कथा होगी, राजा नल का रात तिलक कब होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे गलती हुई हो तो अपना बच्चा और बेटा समझकर क्षमा कर दें। आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें और अपना प्यार बरसाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।